PH न्यूज सबसे अलग। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, बड़ा न्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। हमारे साथ कुछ भक्तगण हैं जो माता जी का उपवास कर रहे हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं। चलिए उनसे कुछ बातचीत करते हैं और जानते हैं कि माता जी के इस व्रत में कितना खास है और क्या फल मिलता है। आपका नाम? नितिन। नितिन जी, आप हमें बताइए कि माता शैलपुत्री का दिन है और इस दिन क्या खास पूजा होती है? आज के खास दिन की बात यही है कि माता के 9 दिन की शुरुआत है और हर साल की तरह इस साल भी सब लोग धूमधाम से और अपने श्रद्धा से इस त्यौहार को मनाएंगे। माता रानी सब लोगों की मनोकामनाएं की पूर्ति करें और सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आपका नाम? विजय। विजय विजय, माता जी के बारे में कुछ बताएं। आपका पसंदीदा भजन कौन सा माता जी का? माता जी का पसंदीदा भजन तो बस आरती करता हूँ। आरती की 2 लाइन गुनगुनाएंगे? अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती। हो मैया हम सब उतारें तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, है दुर्गे खप्पर वाली। एक बार माता जी का जयकारा हो जाए। बोलो सच्चे दरबार की जय। आप लोगों सबसे पहले तो माता जी का एक बार जयकारा हो जाए। दुर्गे माँ की जय, माता शेरावाली की जय, माँ शैलपुत्री की जय। माँ शैलपुत्री का आज पहला दिन है और पहले दिन पे कितना खास त्यौहार है और माता शैलपुत्री का क्या बताएं? जैसा कि हम कह सकते हैं कि ये हमारी संस्कृति है। हम माता जी जो हमें एनर्जी, जो मेरे लाइफ के लिए जो भी कृपा करती हैं, वो सब मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आपने 9 दिन का व्रत रखा होगा और किस तरह से मतलब व्रत का पालन करती हैं और कैसे पूजा पाठ करती हैं, कुछ बताइए। वो तो अरे जैसे पहले दिन से ही सब लोग सुबह उठ के नहा धो के अच्छे से पूजा पाठ करते हैं, फिर माता रानी यहाँ मंदिर आते हैं, दर्शन करते हैं, फिर ऐसे ही करके हर दिन मतलब एक एनर्जी मिलती है, अच्छे से सब पूजा पाठ करते हैं। और एक कलश पूजा होती, कलश रखा भी रखते हैं उसमें, वो भी होता है अच्छे से, मतलब कि वो मिट्टी को नीचे रख के फिर जौ रख के उस पर पानी होनी रहता है, उस पर नारियल, वो क्या बोलते हैं, वो मटकी होता है, उस पर सब रख के नारियल वारियल बांध के अच्छे से पूजा वूजा करते हैं, फिर 9 दिन तक ऐसे ही पूजा होता है। दुर्गा माँ की जय। बोलो बोलो। तो दुर्गा माता के जयकारों से मंदिर का एक एक कोना गूंज चुका है और लोगों से भी जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है इस बारे में। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री संचिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। माता का शैलपुत्री का यह मंत्र लोगों के दिलों में बसता है और इस मंत्र को जपने से आप सभी भक्तों के लाखों करोड़ों कष्ट दूर हो जाते हैं। PH न्यूज सबसे अलग।